अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब के इस चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने शौहर को अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप बहुत परेशान हैं, आपके शौहर आपका कहना नहीं मानते हैं, या फिर आपके बॉयफ्रेंड को अगर आप अपने वश में करना चाहते हैं, आप चाहती हैं कि वो आपके काबू में आ जाए, आप जो भी उनसे बात करें या जो भी आप उनसे बात करवाना चाहें वो आपकी बात जरूर माने, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा हमारे इस वीडियो में देखिए दोस्तों। मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगी एक छोटा सा तरीका जिसको करके आप अपने शौहर को, या फिर अगर आप अनमैरिड हैं, आपकी शादी नहीं हुई अभी तक, तो आप अपने बॉयफ्रेंड को अपने वश में कर सकती हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए आप इसको बिल्कुल ना करें। अगर आप सच्चे मन से चाहती हैं कि आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपका मसला है, वो हल हो जाए, तो आप इसे जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी परेशानी जरूर हल हो जाएगी और आपकी जिंदगी में फिर से खुशहाली आ जाएगी। आपके घर में जो भी तकरार हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, वो सब शांत हो जाएंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। बस आपको दोस्तों सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा, एक नींबू लेना होगा और नींबू के ऊपर आपको पेन से कुछ चीजें लिखनी होगी, और उसके बाद आपको नींबू का क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि हम जो भी आपके लिए काम की वीडियोस बनाते हैं आपको उसके अपडेट मिलते रहेंगे, और आपकी जिंदगी में जो भी अगर कभी कोई मसला आता है, कोई भी समस्या आती है, तो आप उसे हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है आइए देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको एक नींबू लेना है और नींबू के ऊपर आपको कोई भी पेन ले सकती हैं आप, जो कि नींबू के ऊपर चले वैसा कोई पेन लेना है, और नींबू के ऊपर आपको लिखना है सबसे पहले 786। इस तरह से आप लिख दीजिएगा 786, और उसके बाद उसके नीचे आपको अपने शौहर का नाम लिखना है। शौहर का नाम लिखना है, अगर आप बॉयफ्रेंड के लिए कर रही हैं तो आप अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिखिए, और उसके बाद कोई भी भाषा में आप लिख सकती हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको बताने के लिए यहाँ पर मैंने रफीक लिखा हुआ है अभी, तो आप अपने शौहर का नाम नींबू पर लिख दीजिए, और उसके बाद नाम लिखने के बाद आपको उनकी माँ का नाम भी नींबू पर लिखना होगा। तो रफीक के नीचे यानी कि शौहर के नाम के नीचे आपको माँ का नाम लिखना है उनकी, और उसके बाद दोस्तों आपको इसको इस नींबू के ऊपर, जब आपने माँ का नाम लिख दिया तो नींबू की एक तरफ आपने ये सब लिखा है, नींबू को घुमा लीजिए, उसके पीछे की तरफ जो जगह खाली है वहां पर आपको अपना नाम लिख लीजिए, यानी कि अगर बीवी हैं आप अपना नाम लिख लीजिए, अगर आप गर्लफ्रेंड हैं तो भी आप अपना नाम लिखेंगी यहाँ पर। तो मैंने अभी यहाँ पर आपको दिखाने के लिए एग्जाम्पल के लिए रजिया लिखा हुआ है अभी, और आप अपनी माँ का नाम अपने नाम के नीचे लिख दीजिए। अब एक काम आपको करना है, जो दोनों नाम आपने लिखे थे इन दोनों के बीच में आपको बनाना है एक प्लस का साइन बनाना होगा। इस तरह से देखिए प्लस का साइन यहाँ पर आपको बनाना होगा, और उसके बाद दोस्तों आपको ये नींबू जो है ये अपने हाथ में रखकर आपको अपने जो शौहर हैं उनके बारे में सोचना है, उनका नाम लेना है। उनका नाम लेते हुए आपको अपने मन में ये तसव्वुर करना है कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी आपके मसले हैं, वो सब हल हो जाए। और दोस्तों आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा वीडियो के नीचे, आप उस नंबर पर हमें कॉल कर सकती हैं, तो हम आपको एक ऐसा वजीफा बताएंगे जिससे कि आपकी जो समस्या है वो तुरंत सॉल्व हो जाएगी, उसका आपको हल मिल जाएगा। और आप हमारे नंबर पे कॉल करेंगे तो हम आपको वजीफा दे देंगे, वजीफे की सहायता से आप अपने जो मसला है उसे आप हल कर सकते हैं। उसके बाद जब आप ये वजीफा पढ़ चुके होंगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि नींबू को अपने घर से थोड़ा दूर जाकर, आपको कोई भी सुनसान जगह जहां पर दिखे, जहां पर आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर साफ सुथरी आपको जगह होनी चाहिए, वहां पर जाकर मिट्टी में आपको ये नींबू दबा देना है। मिट्टी को थोड़ा सा खोद लीजिए, उसके बाद इसे वहां पर रख दीजिए और इसके ऊपर वापस से मिट्टी डाल दीजिए, और इसके ऊपर आपको एक बड़ा सा पत्थर रख देना है। जी हाँ, जरूरी नहीं कि वो पत्थर वहां पर बहुत देर तक रखा रहे तो ही ये काम करेगा, बस आपको उस समय जब आप वहां से जाने लगेंगे तो पहले वहां पे पत्थर रख के और फिर वहां से चले जाना है। पीछे पलट कर बिल्कुल नहीं देखना है,
सीधा अपने घर आ जाइए। रास्ते में अगर आपको कोई मिलता है, आपको उनसे बात भी नहीं करनी है, सीधा अपने घर आइए, वजू कर लीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही घंटों के अंदर अंदर आपके शौहर आपके काबू में होंगे, आपकी हर बात मानेंगे। अगर आपसे उनकी बिना बात की लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तो वो सब कुछ बंद हो जाएगा और आपके शौहर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाएंगे। इस तरह से आप इसे कीजिए दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ये करें, तो आप हमारे नंबर पे हमें कॉल लगाइए, हम आपके लिए ये अमल जरूर करेंगे और आपके मसलों का हल आपको जरूर देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। शब्बा खैर।